जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में और आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा। इस समय हर देशवासी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया जाएगा, क्या खास होगा और स्वदेशी की दौड़ में कहां तक पहुंची है सरकार। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस पर इस बार भारतीय सेना की ताकत आखिरकार क्यों है खास, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के डिटेल्स में पूरे जवाब। इस साल भारत की थल सेना गणतंत्र दिवस पर परेड में स्वदेशी का संदेश देती नजर आएगी। दरअसल सेना की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस बार परेड में लाए जाने वाले सभी उपकरण मेक इन इंडिया होंगे। भारतीय सेना ने सोमवार को जानकारी दी कि इस साल रिपब्लिक डे की परेड में प्रदर्शित होने वाले थल सेना के सभी उपकरण मेक इन इंडिया है। यहाँ तक कि 21 बंदूकों की सलामी भी भारत में बनी 105 mm की इंडियन फील्ड गन से ही दी जाएगी। इतना ही नहीं, सैन्य हथियारों में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद भी भारत में ही बने हैं। वायुसेना भी यहाँ पर अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएगी। वायुसेना भी रिपब्लिक डे के परेड में कर्तव्य पथ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इस बार नौसेना के 9 राफेल और IL-38 समेत कुल 50 विमान हिस्सा लेंगे। जानकारी के अनुसार नौसेना के IL-38 विमान को इस बार पहली और अंतिम बार प्रदर्शित किया जाएगा। इल्यूजन IL-38 भारतीय नौसेना का एक समुद्रीय टोही विमान है जो देश में लगभग 42 वर्षों से सेवा में शामिल है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे ज़्यादा जो खास है वो है गरुड़ कमांडोस। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल पहली बार परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे जी मीडिया के साथ।